अगर नहीं, नहीं, सुनील जी ये तो आपका विश है कि महंगाई बेरोजगारी पर परिणाम दूसरे आने चाहिए और मोदी विश नहीं है, विश नहीं है, मेरी चाहत ऐसी नहीं है, मेरी चाहत ऐसी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये इस पर परिणाम उल्टा आना चाहिए, जो परिणाम दिखाया जा रहा है सर्वे में वैसा नहीं होना चाहिए। आपका कहना है कि अगर बेरोजगारी और महंगाई को भी लोग स्वीकार कर लेते हैं और बावजूद इसके मोदी को समर्थन करते हैं, तो फिर ये सर्वे करने वाले और लोगों के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, ये फिर उनका विवेक है, आप उनके विवेक पर छोड़ रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं ना? जी, मैं ऐसा ही कर रहा हूं। हाँ, अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, भी आपने जो जिक्र किया जिससे दिल्ली का, बिहार का और महाराष्ट्र का, इस दोनों की परिस्थिति में बदलाव तो सर्वे में भी दिखा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेट है जिसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी और प्रधानमंत्री अगर बनना है तो इस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थिति वही की वही बनी हुई है, सर्वे के भी मुताबिक 73 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, इंडिया को 7 मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, दिल्ली में बदलाव हो रहा है, 5-7 की जगह 5 मिल रहा है एनडीए को, बिहार में 39 सीटें थी 40 सीटें थी उसकी जगह अब जो है एनडीए को 24 सीटें या 26 सीटें मिल रही हैं, महाराष्ट्र में 24 सीटें मिल रही हैं, तो वहां तो थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सर्वे झूठे, मैं यही जानना चाहता हूँ, गलत है नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं गलत तो सही की बात नहीं कर रहा, मुझे स्वीकार करने में सुविधा है उस सर्वे का जो परिणाम है, मैं मुझे स्वीकार करने में सुविधा है, गलत या सही है तो स्वयं बताएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव की तरह अगर विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जो सर्वे कह रहा है वो वही होगा, लेकिन जो इंडिया दल समूह मिलकर के चुनाव लड़ता है तो जो सर्वे कह रहा है वो नहीं होगा, वह होगा जो खतौली के विधानसभा उपचुनाव में हुआ था, वह होगा जो इटावा के लोकसभा उपचुनाव में हुआ था। अगर भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाताओं को बिखरने से रोकने में इंडिया दल समूह कामयाब रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी। मेरा अपना यह मानना है, मैं इस आधार पर भी कह सकता हूं कि अभी हाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव, नगर निकायों के चुनाव में कोई दौरा नहीं कि जितने 17 नगर निगम है सबके सब भारतीय जनता पार्टी ने जीते, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन वह जो मतदान में जो मतदान में मतदाताओं की भागीदारी है वह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए चिंता पैदा करती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों में इतना ही उत्साह है तो लोगों की भागीदारी इतनी कम थी।